नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ भारती सकलानी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक ऐसा मंच है जहां पर बात होती है राजनीति को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए। और इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सुपुत्र रिटायर कर्नल अजय कोठियाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आमी से राजनीति में आने का सफर कैसा रहा? राजनीति की जो आजकल यहाँ पे डिफाइंड परिभाषा है, वो तो मेरे को लगता है कि कभी ना मैं सीख पाऊंगा और ना मैं उसमें फिट बैठ पाऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि जब मैं पहली बार उत्तरकाशी में पोस्टिंग आया आर्मी से जी। और कुछ काम करने के मौके मिले, जैसे केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन, कहीं यूथ फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट उसको खड़ा करना, तब मेरे को दिखा कि आज उत्तराखंड में एक जो चिंता की, जो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है जी। वो ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की ना जो प्रोग्रेसिव एक होनी चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। पलायन का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है और इसको कैसे रोका जाए? देखो, पलायन तो एक लंबी प्रोसेस है असली में जी। कभी यहाँ पे खेतीबाड़ी होती थी, उसके बाद में जब खेतीबाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई तो कहीं हमने बागवानी की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे हिमाचल ने धीरे धीरे बागवानी मॉडल शुरू कर दिया जी, जी। फिर उसके बाद में यहाँ की लोकल रिसोर्सेज होते थे, उनको यूज़ नहीं करा हमने। उसके बाद में जो बेसिक सुविधाएं थी, मतलब अगर पलायन पहाड़ से हो अच्छाई के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इसलिए हो पलायन कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है अगर यहाँ पे, और उसकी वजह से पलायन हो रहा है, तो वो तो ख़राब है। और यही कारण बन गए आज पलायन के, जो पहाड़ में दिख रहा है कि पूरे खाली होते जा रहे हैं पहाड़। आपको क्या लगता है कि वक्त आ गया है युवाओं का राजनीति में आने का? अगर एक युवा को लीडरशिप मिले तो कितना फ़ायदा इससे होगा, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे और क्या इसके फ़ायदे होंगे, इसके बारे में आप बताइए। देखो, युवा तो आज जो सोच है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव सोच रहती है युवा की, ये वो एक वो है बंडल ऑफ एनर्जी है जी। चैनलाइज करने की ज़रूरत है, इसे चैनलाइज कर दो तो ये पक्का अब्दुल कलाम ही बनेगा। इसको चैनलाइज करने के लिए मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी, क्योंकि समझदार लोगों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के चल रही है। और युवा को तो हर फ्रंट में आगे आना चाहिए, खाली एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, चाहे फौज हो, मेडिकल आस्पेक्ट्स हो, कहीं पे बिजनेस हो, कहीं सोसाइटल डेवलपमेंट हो, युवा का रोल तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार को यूज़ करके लेना ही चाहिए। सर, धर्म के आधार पर जो राजनीति आजकल हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जी, वहाँ पे मंदिर जो होता है उसे बोलते हैं सर्व धर्म स्थल, सब आकर के उसमें पूजा कर सकते हैं। मैंने जो अवार्ड जो मेरे को मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, आतंकवादी मारने के लिए मिले हैं, अबू बकर, अबू हमजा, ये सारे के सारे मेरा। लेकिन जब नाम आता है, फॉर्म भरता हूँ, अब मेरे को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, उसको वो कराना है दोबारा से रिन्यू, तो उसमें लिखा जाता है नेम अजय कोठियाल, क्या नौकरी करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी, इंग्लिश, रिलीजन, हिंदुइज़्म। तो मेरे को तो ये धर्म के बारे में तो पता नहीं, मेरे को ये पता है कर्म वाली राजनीति हमने करनी है, कर्म वाले काम हम करते हुए आए हैं। पार्टीज़ क्या करती हैं कि जब उनसे कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं होता तो वो ना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं किसी रिलीजन को लेकर के, और लोगों को, जनता को इकट्ठा करना, करो जनता को इकट्ठा, लेकिन तरक्की भी तो देखो ना, तरक्की तो उत्तराखंड में जीरो हो गई है बिल्कुल, और वो दूसरे वाले एंगल को लेकर के चलते हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ में बद्दा मजाक हो रहा है। अच्छा, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में है और मुस्लिम अपनी कौम को कहती है कि वो खतरे में है? आजकल कुछ बातें ऐसे भी सामने आती हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो सारे अच्छे हैं और मुस्लिम जितने भी हैं वो देशद्रोही हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। लेकिन अगर सारे हिंदू अच्छे हैं तो प्रियंका रेड्डी केस, दिल्ली रेप केस हमारे सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उस रेप में एक लड़का, हिंदू लड़का शामिल था। और अगर मुस्लिम की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम हमारे सामने जीता जागता सबूत, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने सब कुछ खुद ही बता दिया। ये जनता को जरूर देखना चाहिए और इससे बढ़िया तरीका ही नहीं होना चाहिए, आपको भी एग्रेसिव होकर के ऐसी चीजें बतानी चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया बोला आपने जी, बिल्कुल। सर, आज के जमाने में युवा जो है वो भी धर्म और जाति में फंस चुके हैं, वो रोजगार के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है और ना ही विकास को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करने को तैयार नहीं है। तो जिस तरह से युवाओं का ब्रेन वॉश हो रखा है, वो कैसे सर जो वोट दे रहे हैं, कैसे वो पार्टी चुने कि ऐसी पार्टी जो विकास के
अधिकारियों पर बात करें, रोजगार के मुद्दे पर बात करें, इस तरह का जो उनका ध्यान भटका है वो वापस कैसे लाया जाए? देखो, युवा तो मेरे को नहीं लगता भटका हुआ है, लेकिन युवा को दिशा पूरी क्लियर नहीं दिख रही है। हम आग्रह करते हैं महिलाओं से उत्तराखंड की, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, आपको आगे आना है। आपने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी कांग्रेस, इनकी बातें सुन करके ना हमेशा जैसे चलते रहे उसको दोबारा नहीं देखना है। ये मौका आ रखा है, उत्तराखंड अगर इस बार नहीं बदलाव देखेगा तो उत्तराखंड में कभी बदलाव नहीं आ सकता। सर, देश को आज़ादी के इतने साल आज हमें हो गए हैं, लेकिन हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बात उत्तराखंड की करें या अन्य राज्यों की करें, तो महिलाएं आज भी उन बेड़ियों से जकड़ी हैं जो अपने घर परिवार में अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक लड़ाई खुद अपने परिवार से लड़ रही हैं। अपने इसके बारे में आपका क्या कहना है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, क्या इस फील्ड में भी उन्हें आगे आना चाहिए? महिलाओं का पहाड़ में तो बहुत स्ट्रांग रोल है जी। आज पूरे परिवार को चलाना महिला देख रही है, घर में सुबह से उठ करके सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश, जंगल में जो जानवर आ रहे हैं उनको भगाना, महिला मंगल दल आज एक स्ट्रांग पोटेंट फोर्स बनती जा रही है। महिला मंगल दल को हमें वैल्यू देनी चाहिए, महिला मंगल दल को हमें शामिल करना चाहिए अपने काम करने के सरकार के तरीके में, ताकि महिला मंगल दल ये अपने इलाके को ठीक करे। लास्ट सवाल मेरा आपसे है, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति आर्मी से जुड़ा है, भारत माता की सेवा में वो जुड़े हैं। कितना प्राउड आपको फील होता है जब ये देखने को आपको मिलता है? और आजकल के जो युवा हैं, हर युवा का सपना है कि वो आर्मी में जाए, किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करें? देखो, इंडियन आर्मी तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब पावन भी है, जो देशभक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा लेकर के चलती है जी। जिसमें एक जो छोटा 17 साल का बच्चा जाता है, चाहे उसे तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक अलग भावना, एक फीलिंग आती है। मेरे को तो वो प्राउड होता ही है। मेरे पिताजी भी इंडियन आर्मी में सिपाही थे, गढ़वाल राइफल में, फिर ऑफिसर बने। मेरे जो सारे रिश्ते आ रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फौज में हैं। अभी मैं बात कर रहा था, एक जगह सगलाना पट्टी, वहाँ के मेरे जग्गू भाई जी, विंग कमांडर जगदम्बा प्रसाद कोठियाल, उनको वीर चक्र मिला था 71 की लड़ाई में। कल मैं सैनिक कल्याण बोर्ड गया था, मेरी फोटो लगी हुई थी, कीर्ति चक्र उसके ऊपर लगी हुई थी, विंग कमांडर राजीव कोठियाल, कीर्ति चक्र। तो हमारा तो सारा खानदान ही फौज वाला है। हमारे साथ जितने आज लड़के लड़कियाँ जो जुड़े हुए हैं, कि 10-12 हज़ार जो सबसे ज़्यादा नौकरी इनको जो मिली है, वो पाकिस्तान आर्मी में तो गए नहीं, इंडियन आर्मी में गए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारा फौज से जो लगाव बन रखा है वो एक पर्सनल और बहुत अच्छा है। और ये खाली हमारा नहीं है, ये हर किसी का है। मेरे को लगता है आप भी आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा जी। बिल्कुल सर, इसी तरह से दिल तो कर रहा है बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे, लेकिन समय की पाबंदी है। तो सर, अंत में आईपा की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लोगों के सामने रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जो पार्टीज नैरेटिव क्रिएट करती हैं, गलत नैरेटिव, रिलीजियस नैरेटिव, राष्ट्रवाद नैरेटिव, उनको आप लोगों का रोल बनता है कि उसे करेक्ट करें, क्योंकि आप लोग जानकार भी हैं और आप लोग चाहते भी हैं। अरविंद केजरीवाल एक वो पावरफुल आदमी है जिसके पीछे पूरा देश के सब नेगेटिव एलिमेंट पड़े हैं, उसके बाद भी वो आदमी अकेला साबित करके आगे बढ़ रहा है, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, यूपी में। इन लोगों की जो सोच है, जो तरीका है, वो हमारी जनता को, हमारे समाज को बताना चाहिए। अजय कोठियाल जो आदमी है, शादीशुदा नहीं है, उसको कहने के लिए कुछ भी बोल लो कि सारे अवार्ड हैं उसके पास, गोलियां लग रखी हैं, उसके बावजूद वो आज आकर के उत्तराखंड के नवनिर्माण की परिभाषा, जिसको कि अजय कोठियाल को खुद अरविंद केजरीवाल सिखा रहा है, अगर इन चीज़ों को करना है तो आप जैसों को जरूर इसको हाईलाइट करना चाहिए आगे। तो बिल्कुल सटीक बात इन्होंने कही है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं वो जाति और धर्म से हटकर आज विकास के मुद्दों पर बात करें और वोट दें ऐसी सरकार को जो रोजगार देना चाहती है, महिला की सुरक्षा चाहती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आईपा। नमस्कार।